अच्छी व्यवस्था ये हो सकती है कि लगभग 13 साल के नीचे के बच्चों के लिए, जब हम अगली बार 9 से 16 मिलेंगे, तो उनके लिए एक शिविर का प्रावधान यहाँ अलग से रहेगा और अंजू बहन वो शिविर चलाएंगी। ठीक है, आप में से जो अंजू बहन के लिए सहयोगी होना चाहते हों वो हो जाएंगे उस समय। तो लगभग 3 साल 4 साल से ऊपर के बच्चे और 13 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ एक हॉल अलग से होगा ही, पोषक जी छोटी कोई जगह होगी ही, तो वहाँ पे सेपरेट एक शिविर 3-4 घंटे का दिन में चलेगा, बाकी समय बच्चे खेल लेंगे, तो एक वो हो जाएगा। तो फिर ये भी और ये पॉजिटिव रहेगा। देखिए, मुझको लगता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ शिविर के बाद समझ में आने लगती हैं, विशेष रूप से वो लोग जो शादी के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने कभी शिविर किए। जिनके यहाँ बच्चे गर्भ में आ गए हैं उनका तो शिविर में बैठना अपने आप में बहुत एक बढ़िया चीज़ है ना, इससे तो बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता है। उस काल में अध्ययन होना और उस काल में सब होना बच्चों के लिए शिविर के लिए, जैसे अंजू बहन का उत्साह बना है और अंजू बहन पहले से ही बच्चों के साथ बहुत काम करती रही हैं, तो ऐसे ही हम सब के अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में रुझान हो सकते हैं। तो कम से कम साल भर पार कर जाएं, दर्शन भाग पार कर जाएं ठीक से, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में अपने इन्वॉल्वमेंट भी हमको समझने के लिए और मदद करेंगे, हमारी गति में सहायक होंगे, तो उस समय फिर इन चीज़ों को हम सब सोचेंगे। चलिए आगे बढ़ते। तो जितनी चर्चा हमने अभी तक की उससे हमारी ये क्लैरिटी बनी, कि संबंध को लेके हमारी ये क्लैरिटी बनी, और मुझको लगता है काफ़ी उपयोगी चर्चा रही, उपयोगी चर्चा रही है ना। तो इस तरीके से हर चीज़ को देखा जा सकता है। और अभी हम बात करते हैं कि फाइनली परिवार का, तीसरी बात हमने बात की थी कि परिवार में लक्ष्य क्या हो, इस पे हमने बात शुरू की थी। परिवार में संबंध का स्वरूप क्या हो, इस पे हमने बात की। अभी परिवार का भौतिक स्वरूप क्या हो, किसको परिवार कहें, उस पे हम बात करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इतनी सारी चर्चा में हमको ये तो समझ में आया कि जहाँ पार लग जाए, तो घूर्णन गति से ही काम चला ना। हेलो, जहां पार लग जाए उसका नाम परिवार है। तो बेसिकली परिवार मूल्यों का शिक्षण केंद्र है। शिक्षण, गुजराती में शिक्षण शब्द ठीक चलता है? कहाँ पे है शिक्षा? शिक्षा को सजा बोलते हैं, शिक्षा को सजा बोलते हैं। हाँ मराठी, हाँ मराठी में है शिक्षा को, शिक्षा मतलब सजा। हाँ तो परिवार मूल्यों का शिक्षण केंद्र है। तो परिवार सही मायने में देखा जाए तो सबसे ऊंचा स्कूल है। जो चीज़ जिंदगी में, हमारी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे आवश्यक है, जिसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी, वो परिवार वो चीज़ है जहाँ उसको हमको जीते हुए वो चीज़ मिलती है। तो परिवार मूल्यों का शिक्षण केंद्र है, ये परिवार के होने का पर्पज़ है। अभी परिवार कैसा है, अभी के परिवार का स्वरूप कैसा है? वो भरण पोषण केंद्र है। हाँ तो इसलिए अब ये देखते हैं कि यदि परिवार मूल्यों का शिक्षण केंद्र है तो परिवार का स्वरूप क्या होगा। तो परिवार में माता पिता, माता पिता के दो बच्चे, इनकी हो गई शादी,
और इनके दो बच्चे और इनके दो बच्चे। तो ऐसा हमने पहचाना, इनको पहचाना, ये हो गए बुजुर्ग, ये हो गए प्रौढ़, ये बच्चे या युवा। इस रूप में हमको एक परिवार का स्वरूप दिखाई देता है। अब ये हमारा क्लियरली समझ में आता है कि है, अरे ये माता पिता, ये इनके दो बच्चे, अब इनकी शादी हो गई, इनके दो दो बच्चे, एक परिवार की बात कर रहे हैं ना, एक परिवार की, भौतिक परिवार की बात कर रहे हैं जो एक छत के नीचे रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मान लीजिए घर के बच्चे हैं, ये आपस में किस तरह से व्यवहार करें ये कैसे सीखेंगे। घर में छोटे बच्चे हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें तो कैसे सीखेंगे। तो इनके पापा अपने भाई बहनों के साथ कैसे जीते हैं, ये इनके लिए रोल मॉडल होगा, लाइव मॉडल होगा, है ना। आचरण शिविर के रूप में उपलब्ध है कि दो बच्चे आपस में भाई बहन के रूप में कैसे जिएं। तो इनके पापा माता पिता अपने भाई बहनों के साथ कैसे जीते हैं ये उसको देख के समझेंगे। ये अपने माता पिता के साथ कैसे जिएं, तो इनके माता पिता अपने माता पिता के साथ कैसे जीते हैं ये स्वरूप है। बड़े होके जब ये शादी करेंगे तो ये पति पत्नी के स्वरूप में कैसे जिएंगे, तो इनके माता पिता पति पत्नी के स्वरूप में कैसे जीते हैं ये अपने परिवार में देख सकेंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमने मूल्यों की बात की, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, है ना, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, श्रद्धा, गौरव, प्रेम, ये जो हमने मूल्यों की बात की है कि इन मूल्यों को वो बोर्ड पे समझेगा या आचरण पूर्वक जीते हुए लोगों को देख के समझेगा, है ना। तो जिन मूल्यों की बात हम कर रहे हैं, इन मूल्यों को एक बच्चा जब, जिसके बच्चा किसी परिवार में जब पैदा होगा, तो हम पूरे परिवार को देखकर वो जिन स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य की हम बात कर रहे हैं, एक परिवार दूसरे परिवारों के साथ कैसे जिएगा इसको कैसे समझेगा। हमारा परिवार दूसरे परिवारों के साथ या समाज में भागीदारी का स्वरूप क्या है, हमारे परिवार का, हमारे परिवार क्या कंट्रीब्यूट करता है इसको देख के उसमें स्वयंस्फूर्त ये स्वीकार्यता, उसके लिए आवश्यक योग्यता उसमें आ जाएगी, तो मेरा परिवार फिर व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में कैसा है। तो इसका मतलब है कि जो स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य की हम बात कर रहे हैं, वो साक्षात आचरण पूर्वक जीते हुए लोग अपने परिवार में और अपने मोहल्ले में उसको दिखाई दे जाएं। तो एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है, एक माँ बाप के द्वारा और अपने मोहल्ले के द्वारा एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है कि स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य को साक्षात जीते हुए लोग उसके सामने दिखाई दे जाएं। इससे बड़ी कोई गिफ्ट एक बच्चे के लिए हो नहीं सकती। बताइए ये गिफ्ट आप बच्चे को कैसे देंगे। अभी तक क्या सोच रहे थे, चलो भाई आईपैड दे देंगे और टैबलेट दे देंगे, क्या लगता है हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितने लोगों को लगता है ये हो सकता है, कितने लोगों को लगता है कि अपने अध्ययन काल में हम इसकी शुरुआत, है ना, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे इसकी कोई शुरुआत, जैसे मान ली अंजू बहन ने अध्ययन किया है तो ये बात अंजू बहन की तरफ से आई है कि बच्चों को देख के हमको लगता है कि यदि हमारे परिवार, और ये हम सोचते ही हैं, हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि लोगों की संख्या बढ़े, यहाँ सारी अप्रोच क्या है, परिवारों की संख्या बढ़े, परिवार मजबूत हों,
तो यदि परिवार के बड़े लोग शिविर कर रहे हैं तो परिवार के बच्चों के लिए भी उस तरह की चर्चा उनके बीच में इनिशिएट हो जाए। वो एक्टिविटीज़ अंजू बहन की बहुत अच्छी योग्यता है बच्चों के साथ काम करने की, एक्टिविटीज़ को लेके और तमाम और तरह। और बच्चों के साथ काम करने वाला आदमी बहुत ऊर्जावान चाहिए, मतलब बहुत अलग तरह की ऊर्जा उसमें हो, तो बच्चों के साथ बच्चे उसके साथ में चल पाते हैं। बच्चों के साथ, अब छोटे बच्चों के साथ ये बोर्ड पर शिविर नहीं चलेगा। तो हम में से सभी लोगों के अपने अपने रुझान और योग्यताएं हैं। तो इस रूप में देखा जाए तो ये क्लैरिटी बनती है। तो इससे क्या पता चला, देखिए ये भी अब हमको समाज की समस्याएं भी दिखाई देती हैं। एक तो समस्या ये है कि बुढ़ापा अकेलेपन से गुजर रहा है, और इस समस्या को गुजरात सबसे अधिक फेस करता है, क्योंकि लोग बाहर जाने वाले संख्या की लगभग लगभग गुजरात की 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन बाहर है। तो वृद्ध आश्रम जितने बड़े साइज के गुजरात में दिखाई देंगे उतने कहीं दिखाई नहीं देते हैं। है? हाँ ये तो वेल नोन बात है। मेरे को लगता है कि शायद देश में सबसे अधिक पॉपुलेशन किसी एक स्टेट में, यदि जनसंख्या का रेशो देखें तो शायद 30% लोग बाहर हैं। 8 करोड़ की कुल पॉपुलेशन है, 6 करोड़ की अभी गुजरात की है, 2.5 करोड़ बाहर है। तो लगभग 8.5 लाख की 8 करोड़ की पॉपुलेशन है। यदि रेशो वाइज देखेंगे, मैं एक दिन ऐसी देख रहा था तो गुजरात में 6 या 7 एयरपोर्ट हैं, हैं 13 छोटे वाले और मिला के, अच्छा वो मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, जहाँ से इंडिया के सिटीज़ के लिए फ्लाइट मिल जाए, मतलब कहीं तो आप लोकल किसी की पर्सनल फ्लाइट उतरती है वो अलग बात है, जहाँ कमर्शियल फ्लाइट चलती है। हाँ राज्य वाइज, वही मैं कह रहा था कि राज्य वाइज सबसे अधिक एयरपोर्ट गुजरात में है। हाँ मैं 7 मैंने गिने हैं कि 7 पे मैं लगभग गया हूँ मेरे ख्याल से, लेकिन 8-9 जो भी हों, यदि राज्य की पॉपुलेशन देखेंगे तो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट गुजरात। तो मुझको लगता है कि गुजरात की जो अपनी ताकत है, आस्था की पृष्ठभूमि है, जॉइंट फैमिली की पृष्ठभूमि है, व्यवसाय की पृष्ठभूमि है, ये सारी चीज़ें मिला के हमको बहुत ताकत देती है। और जिस तरह की बात हम कर रहे हैं, हमारे बीच में हो रही है, इस तरह की बात के लिए शायद सबसे अधिक, सबसे फेवरेबल कंडीशन है सबसे ज़्यादा, और वो आवश्यकता है, वो हमारी आवश्यकता है। तो शायद उस रूप में हम समझ के चल सकते हैं। तो बुज़ुर्गों के बारे में मैं बात बोल रहा था, तो बुज़ुर्गों के लिए ये कहा जा रहा है कि जब आदमी अपने अंतिम स्थिति में आता है, वो बात मैंने आज दिन में भी एक बार चर्चा कर चुका हूँ, कि अंतिम स्थिति में आदमी सुकून के साथ संसार छोड़े, उसको अंतिम समय में सेवा और स्नेह उपलब्ध हो, वो अपना जीवन सार्थक बीता, ठीक बीता, इस निष्कर्ष के साथ में जाए, इसके लिए अपने परिवार में ही मरना, अपने परिवार में पैदा होना और अपने परिवार में शरीर छोड़ना, शायद ये हमारे लिए। लेकिन अभी की सारी स्थितियाँ जैसी भी हैं तो बुज़ुर्गों का भी हालत ऐसी है कि वो भी अपने ज्ञान कनेक्शन नहीं है। और सर्वे ये बताता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गों से सीखते हैं, दादा दादी से सीखते हैं, नाना नानी से सीखते हैं, माता पिता से कम सीखते हैं। सारे इस नेट को देखते हैं तो सही मायने में सबसे अधिक खूबसूरत काम बुज़ुर्गों के पास हो सकता है, जब शरीर बहुत सक्षम नहीं भी है तो भी वो बच्चों के साथ बहुत सारी शेयरिंग और बहुत सारा, है ना, इससे उनका जीवन भी धन्य होगा और बच्चों को भी जो एक आवश्यकता है कि हर समय कोई एक व्यक्ति उसके उसकी जिज्ञासा को ससम्मान उत्तरित करने के लिए तैयार हो, है ना। और उस समय बुज़ुर्ग जल्दी में भी नहीं है, हम लोग कैरियर और तमाम चीज़ों के शायद साथ काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में देखेंगे तो बुज़ुर्ग की ज़िंदगी भी सुरक्षित हो, बच्चों की जिज्ञासा भी सुरक्षित हो, और एक परिवार में संबंधों का जीता हुआ संसार उपलब्ध हो जाए,
इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये ध्यान में आता है, तो एक परिवार का मतलब है 10 लोग और 3 पीढ़ियाँ। देख लेना किधर लगेगी, ठीक है। 3 पीढ़ी का साथ, 3 पीढ़ी के साथ में 4 पीढ़ी हो ही सकती है, 10 लोग की बजाय 15 लोग हो ही सकते हैं, है ना। लेकिन 3 पीढ़ियाँ 10 लोग, ये परिवार का भारतीय स्वरूप है या परिवार का वैश्विक स्वरूप है, यूनिवर्सल स्वरूप है? क्योंकि ये तो बात बहुत लॉजिकल लगती है कि एक व्यक्ति अपनों के बीच में शरीर छोड़े, ये स्वीकार होता है। बच्चे को उसकी जिज्ञासा तृप्ति के लिए बुज़ुर्गों का साया उपलब्ध हो, यदि वो समझदार हों तब सार्थक है, नहीं तो उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो इस रूप में हम देखेंगे तो ये ध्यान में आता है कि 3 पीढ़ियां 10 लोग एक साथ रहें तो ही एक बच्चे को, जो भरा हुआ संसार है, जो हमारी बहन ने कहा कि मेरा परिवार बहुत भरा पूरा है, भरा पूरा इस अर्थ में है कि 3 पीढ़ियां साथ हैं, भरा पूरा इस अर्थ में है कि संबंध की तृप्ति पूर्वक जीने की गुंजाइश बनी हुई है, तो भरा पूरा है। क्या लगता है, क्या लगता है? अब आप बहुत एक्सेप्ट करने के मोड में आ गए हो, इसलिए बार बार बोलता हूँ असहमति बनाए रखें, उसमें कोई कमी है तो बताएं। है, है? नहीं, प्रैक्टिसेबिलिटी की गुंजाइश हो सकती है। मधुबेन, मधुबेन संगीता बेन, माइक पीछे। माइक, एक माइक आगे। भैया, अभी की जनरेशन में देखे तो ये 3 पीढ़ी तक होता ही नहीं है। जैसे कि कोई लाइक 40 उम्र में भी हार्ट अटैक आ जाता है, बहुत छोटी उम्र में भी लाइक डेथ हो जाती है अभी की जो डिसीज होते हैं उसके कारण। तो 3 पीढ़ी तक, कई ऐसा परिवार भी होते हैं कि 3 पीढ़ी तक नहीं पहुंचते। चलो, तो किसी एक परिवार में ऐसा हो सकता है, सभी परिवार में तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है और ये समस्या किसी के हाथ में भी नहीं है। तो और कुछ हो बताओ। संगीता बहन को पीछे फोन दो। भरा पूरा परिवार तभी होगा जब हम समझ के लेवल पे एक होंगे। भौतिकता या साधन सुविधा से हम भरा पूरा परिवार नहीं कह सकते हैं, और समझ में जैसे बुजुर्ग के साथ में, प्रौढ़ के साथ में और बच्चों के साथ में, हर लेवल पे वो समझ रहेगी तभी हम भरा पूरा परिवार कह सकेंगे। 100% सहमत, 100% सहमत। प्रॉब्लम है ना, तो विशेष रूप में दो एक तरह के, दो एक दो प्रॉब्लम लोग बहुत जेन्युइन बताते हैं। अधिकांश, एक तो ये है कि बच्चे जॉब करने के लिए कहीं बाहर ही चले गए। अब मान लीजिए आपके बच्चे मुंबई में रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, तो वहाँ ना तो फैमिली जा सकती है ना वो जॉब छोड़ के आ सकते हैं, तो फिर ये फैमिली कैसे मिलेगी? इस तरह का एग्जाम्पल काफ़ी कॉमन आता है। मेरा परिवार की बात करूँ तो मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉब करते हैं। हैं? मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉब करते हैं। डॉक्टर? यस, नहीं, मेरी वाइफ स्कूल टीचर है और मैं डॉक्टर हूँ। हम गांधीनगर में रहते हैं, मेरी वाइफ हमारे गांधीनगर से 85 किलोमीटर दूर एक गांव में जॉब करती है। मेरी मदर है, हमारे साथ है, और वो सुनती नहीं है, 100% उसका वो हियरिंग इम्पेयर्ड है। तो होता क्या है, जब कम्युनिकेशन की बात आती है ना तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे मॉर्निंग में दूध आता है और कहीं दूध वाले को नहीं बोला है तो ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी माँ का एक सिंपल वर्ड मुँह में से निकलता है यूजुअली कि दूध थी नावानू है तुम्हारे बदाने हम। पर जयरे ये आ शब्द बोले थे ना, इले इमीजिएटली मारा मगज में हुआ है कि जे कई बात करी रहा है ये एक पैसा नो बगाड़ ना था ये संदर्भे बात करी है। पर मारी वाइफ जयरे ये सांभड़े है एले एने सॉफ्टवेयर बदल गया। यस, ओके, सॉरी।
तो मेरी वाइफ जब ये सुनती है मैं नहीं होता हूँ, लास्ट वीक का ही ये इश्यू है, तो मेरी माँ ने बोला कि भाई आपको दूध से नहाना है, तो मेरी वाइफ को जब शॉकिंग लगा कि ऐसे सब सुनते ऐसे बात करते हैं तो अजीब सा लगता है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। मेरी उनसे फ़ोन पर जब बात हुई तो उसने बताया, तो फिर मैंने थोड़ा बातचीत करके सेटल हुआ। मगर परिवार में ऐसे डायलॉग्स यूजुअली होते हैं और इसे मैं सुन नहीं पाया, कैसे डायलॉग? थोड़ा माइक थोड़ा दूर रखिए। यस, फिर से बोलिए। हाँ जी, आराम से सुन, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया। ओके, नहीं कोई नहीं ओके, आवाज़ तो माइक से ही है। छोटी छोटी बातों में परिवार में ऐसा होता है, छोटी छोटी बात में, जैसे मैंने दूध का मामला बताया कि ज़्यादा आ गया, तो मेरी मदर का रिएक्शन ये था कि भाई दूध ज़्यादा आता है, पैसों का वेस्ट होता है। सिंपली उन्होंने ऐसा बताया कि दूध से नहाना है आपको, ज़्यादा नहाना है। हाँ, ज़्यादा दूध आ गया तो उनका एक स्वाभाविक शब्द ऐसा है, जब भी कुछ बोलते हैं ना तो लाइक बिटर वर्ड्स, मदर का तो यही रहता है। वही 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 बराबर। तो मेरी वाइफ को वो ऐसा लगता है कि माँ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो फिर मैंने उनसे बातचीत में, ठीक बात है, बात आपकी हो गई। देखिए, मुझको लगता है कि वाकई में साथ साथ जीना इतना आसान काम नहीं है, और ये इसलिए आसान नहीं है कि इतनी छोटी छोटी बातों पे अब वो हमारे माँ बाप, उनका जो समय था उस समय इस तरह के डायलॉग कॉमन थे। अभी की पीढ़ी में आते आते एक शब्द भी इधर से उधर हुआ तो बोलते हैं गलती हो गई, और अपने तो आगे एक गाली पीछे एक गाली और डांट बीच में डाल के, और ये तो चलता ही था धुआंधार। तो पुराना सॉफ्टवेयर एकदम करप्ट और पायरेटेड था ही, है ना। अभी का सॉफ्टवेयर में कम से कम बच्चों में एक जो लैंग्वेज का परफेक्शन है या जो एक संवेदनशीलता वाला भाग है, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो ये दो पीढ़ियों का स्टाइल मैच होना ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो मुझको लगता है कि ये पीढ़ियों में जो जनरेशन गैप है, चाहे स्टाइल का है, चाहे लैंग्वेज का है, या शब्दों को प्रयोग करने का है, या टिप्पणी करने का है, कमेंट मार देने का है, बहुत सारे लोगों के अपने अपने स्टाइल हैं। कुछ लोगों का बड़बड़ाने का है, जो अंदर चलता रहता है मुंह से भी निकलते रहता है ना, किसी का तीखा बोलने का है, किसी का ऊंची आवाज़ में बोलने का है, किसी का थोड़ा साफ सफाई मेंटेन नहीं करते हैं। मैं ऐसे परिवारों को देखा जहां बेटा उसकी बहू अपने मम्मी पिताजी को बच्चे को हाथ लगाने नहीं देते, बोलते हैं तुम हाइजीन नहीं है। हो सकता है ना, इसका मतलब इतने इश्यूज हो सकते हैं एक छत के नीचे रहते हुए जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतने इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन इन सब का एक ही तरीका है, लाल दवाई निरंतर डोज। जब तक सारे लोग मिलके वो समझदारी के पैड पे काम नहीं करते हैं और उस क्रम में, अच्छा इनको घर के बाहर कोई, गुजरात में तो फिर भी ये कल्चर है कि सोशली लोग मोटिवेटेड हैं, कुछ सामाजिक कार्यों में कुछ अपना समय लगाते हैं, नहीं तो ये लोग खाली होके घर में ही बैठे हैं, ये और प्रॉब्लम है। जी हाँ, ये जो भैया ने बताया कि चार पीढ़ी, मेरे घर में पांच पीढ़ी थी। अभी जनवरी में मेरी एक ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड हो गई। हाँ, और एक्चुअली क्या है, ये जो आपने बताया लाल दवाई निरंतर डोज वाला, वही अगर समझ हमारे में स्थिर है तो प्रॉब्लम कैसे टाल सकते हैं, उसका एक छोटा सा एग्जांपल है। एक्चुअली मेरी ग्रैंड मदर थी, वो 104 साल पे अभी जनवरी में एक्सपायर्ड हो गई। उसको गुड़ काफ़ी पसंद था, गुड़ दिन में 4-5 बार उसको गुड़ खाना है, गुड़ नहीं दो तो चॉकलेट या कुछ भी, उसको एज में उसको पसंद है, हमको लाके देना है। चॉकलेट का एक डिब्बा रहता था, वो ख़त्म हो गया तो गुड़ भी चाहिए। तो एक दिन शाम को दशरथ भाई और हंसावा भी और वो सब घर पे आए, तो आके सीधा ग्रैंड मदर को मिलने गए। तो मुझे पता था कि जैसे ही उसको गुड़ का अगर डोज ख़त्म नहीं हुआ है तो वो चिल्लाएगी कि मुझे गुड़ नहीं दिया ये वो। तो पहले दो बार तो ऑलरेडी दे चुके थे गुड़, बाद में दशरथ भाई और वो लोग आए तो वो वैसे इतना पहचान नहीं पाती थी, तो ऐसे ही जैसे दशरथ भाई आए, गुड़ नहीं दिया आपने, ये नहीं किया करके झगड़ा करने लगी दशरथ भाई से। तो
बाद में फिर वो हंसा भाभी भी हंसने, क्या हंस रही हो मेरे सामने देख के, क्यों हंस रही? उसको ये लगा कि मेरे घर से कोई, मतलब जो भी है बहू बेटियां सब यहाँ आए हैं और वो लोग मुझे गुड़ नहीं देते हैं। फिर मैंने बाद में फिर उसको सेटल किया, फिर समझाया कि भाई ये गेस्ट है और ऐसे, फिर शांत हो गई। तो उसी टाइम पे अगर मैं वो स्टैंड लेता कि ऐसे दशरथ भाई मेरे घर पे आए और तूने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, तो पूरा, मगर मुझे विश्वास था कि वो चीज़ जो की है मदर ने उसका, और दशरथ भाई मेरे पैर भी मुझे विश्वास है कि मैं आश्वस्त हूँ, शायद मेरी मदर ने या मेरी ग्रैंड मदर ने कुछ किया है तो दशरथ भाई को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो अपने आप में उसकी सेवा करता ही हूँ। मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अगर कुछ प्लान करूँगा कि यार दशरथ भाई के सामने ऐसा कर दिया, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, तो उसी हिसाब में सब रिलेशन में वो आ जाता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक माइक पीछे। नमस्कार भैया। अंदर कि आज की डेट में एक छत के नीचे साथ साथ इस तरह से जीना डिफिकल्ट है, वो भैया के शेयरिंग के बाद में हमारे पास बोर्ड पे ये स्ट्रक्चर है, तो फिर प्रैक्टिकल वेल में क्या किया जाए? आपने जो कहा कि लाल दवाई निरंतर, बट दिस इज़ नॉट वन मैन शो, एक परिवार से एक बंदे से वो पॉसिबल नहीं होगा, और लाल दवाई वाला जो मामला है वो लंबी जर्नी है। सो एट द मोमेंट जब वो सिचुएशन आती है, व्हाट टू डू एट दैट टाइम? वो एक बंदे को ज़्यादा डोज लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे दो स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, एक स्टेटमेंट ये है कि आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, और हमारे पास बोर्ड पे स्ट्रक्चर जो है वो आइडियल है। देखिए, ये बात तो अपनी जगह आपकी ठीक ही है, यदि इस तरह की स्थितियाँ परिवारों में हैं, और जो कि हैं, इसलिए परिवार अपनी जगह झेलने का एक ठीक ठाक जगह बना हुआ है, इसलिए लोग परिवार छोड़ छोड़ के धीरे से एकल परिवार और धीरे से तमाम तरफ जा ही रहे हैं। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन की आपको अपेक्षा है, वो फिर स्कूल परंपरा से है। तो हम सक्षम बने, और हम सक्षम बन के अपने आसपास के वातावरण में एजुकेशन इस तरह से प्रभावित हो कि एजुकेशन में वो कंटेंट आ जाए, है ना, तो उससे हमको कम से कम जितना हमारा तृप्ति का लेवल बढ़ जाता है, उतना हम परिवार में लोगों से प्रभावित नहीं होते हैं। जितना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, उतना कोई फिर हमको बोलने की हिम्मत भी नहीं, अनावश्यक टिप्पणियाँ करने की हिम्मत नहीं करता है, है ना। आपके व्यक्तित्व के साथ ही घर में समीकरण चलते हैं, यदि एक बार आप चेहरे का पोस्चर और आप चीज़ें बदल देते हो, तो आप वो स्थिति आ जाती है कि सामने वाला ये कुछ स्वीकार हो जाता है कि इसको अब नहीं कहा जा सकता है। बच्चे को भी किसी सीमा तक हम डांटते हैं, किसी सीमा के बाद बच्चे आंखें दिखा देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाता है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो आप वहाँ से विड्रॉल मोड में आ जाते हो। पर आपने तो अपना 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 स्वत्व को, अपने साइज को, अपने विश्वास को, अपने जीने को इतना बढ़िया करें कि परिवार में कुछ नेगेटिव भी है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, प्रभाव वो लोग आपके ऊपर अनावश्यक लदने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जितना उनके साथ सकारात्मक काम हो सकता है बहुत अच्छा है, जितना साथ चल सकते हैं बहुत अच्छा है। किसी पॉइंट पे लगता है कि सब प्रयोग करके देख लिया, नैया पार है, है ना, दुनिया में और भी जगह है। तो जो ओल्ड एज होम का जो आपने कहा कि हाईएस्ट अभी गुजरात में है वृद्धाश्रम, तो मैंने खुद ने मतलब गुजरात लेवल पे उस पर स्पीच दी, और लाइक आई वाज अ सेकंड रनर अप इन दैट, तालियां बहुत बजी, कंटेंट भी था, बट रिजल्ट के तौर पे वास्तविकता वही है कि ओल्ड एज होम बढ़ता ही नहीं, नहीं। इसका मतलब है कि हम समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं, समाधान की दिशा में हमारे पास कोई ठोस उतनी बड़ी बात है भी नहीं, और वैसी हमारी योग्यता भी नहीं। तो समस्याओं पे बात कर लेना किन्हीं मंचों से अलग स्थिति है, तालियां बज जाना अलग स्थिति है, और वाकई में उनको लेके हम समाधान प्रैक्टिकली क्रिएट कर सकें, तो इसका इतना ही मतलब है कि कम से कम जितने लोग परिवार के रूप में अभी शिविरों में, अध्ययन शिविर में शामिल हो जाएंगे, कम से कम उतने परिवारों की एक स्थिति बन जाएगी, और कुछ बाकी परिवार फिर उनको देख के बहुत तेज़ गति के साथ भी चलने लगेंगे। शुरुआती दौर में जब हमने 20 साल पहले शुरू किया था, तो हमको शिविर करने के लिए 4 आदमी नहीं मिलते थे। आज लगभग इतनी डिमांड बनी रहती है कि हम कर नहीं पाते हैं। पहले शिविर में फैमिलीज़ पूरी नहीं आती थी, अब शिविर में यदि इसी शिविर में देखें तो हम देखेंगे कि हो सकता है 20 फैमिलीज़ हों। पहले शिविर में पति पत्नी पूरे ऐसे नहीं थे, अकेला पति या पत्नी आते थे,
अभी मैं देखता हूँ हापुड़ के शिविरों में, मैं देखता हूँ एक एक शिविर में 25 पेयर 30 पेयर कभी कभी देखने को मिल जाते हैं सामाजिक शिविर में। तो धीरे धीरे जैसे ऐसे लोगों में ये कम्युनिकेट होगा कि कोई ऐसी जगह है जहाँ हम अपने परिवार सजा सकते हैं, ये संख्या लेने वालों की भी और करने वालों की भी अपने आप सहज रूप से बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हम इस दिशा में जाएंगे तो हो सकता है 20 साल बाद 10 साल बाद 5 साल बाद यही परिवार बेहतर परिवार में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और जो परिवार मान लीजिए आज नहीं उस स्थिति में आए हैं, कल उनके बाकी लोग बुज़ुर्ग लोग संसार से विदा हो ही जाएंगे, नए लोग आते ही रहेंगे, ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। फाइनली एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हो जाए तो सभी बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाए तो फिर वो फाइनल पिक्चर बनेगी। फिर भी मेरे को लगता है जीवन विद्या का या इस दर्शन का या इस कंटेंट का एक्चुअल पोटेंशियल हमको एजुकेशन में आके पता चलेगा। अभी इसका पूरा पोटेंशियल सामने नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग जिस एज में जिस कंडीशनिंग के साथ जिन मजबूरियों के साथ जिन परिस्थितियों के साथ होते हैं उसमें कंटेंट पूरा आपके साथ जाता ही नहीं, उतना टाइम ही नहीं है कि उसको उतना स्पेस दिया जा सके, उतनी गहराई से लिया जा सके। हो सकता है जब एक बच्चा अपनी ज़िंदगी के 12 साल स्कूल एजुकेशन में ही लगाता है, बल्कि 3 साल और 15 साल और 3 साल और घर में, है ना, तो हो सकता है यदि इस तरह का वातावरण बनेगा तो स्थितियाँ बहुत अच्छी बहुत तेज़ी से आगे जाएंगी। तो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे गुजरात लेवल पे डिस्कस करना उचित नहीं है, दैट मींस सूचना के तौर पे तो वो नहीं करें, लेकिन अपनी स्थितियों को बेहतर बनाएं और बढ़िया एक दिन की गोष्ठियाँ, 3 दिन के शिविर, 7 दिन के शिविर, अध्ययन शिविर, जितनी जगह में चलें, घर घर में चलें, क्या दिक्कत, ओके थैंक यू, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हाँ जी, मूल जी भलानी, मैं हम खास तौर पे गुजरात की जो बात की अभी बुज़ुर्गों के लिए अलग यहाँ भी है, इस आश्रम में भी बुज़ुर्ग लोग रह रहे हैं, तो ज़्यादातर हमारे घरों में क्या है, आप सौराष्ट्र के वासी जहाँ सूरत में बसते हैं वहाँ जाके देखेंगे तो जितने बुज़ुर्ग भाई दादा है वो सब बाहर है, घर के बाहर खाने के वक्त और सोने के वक्त घर में जाते हैं फिर बाहर आते हैं, मगर जो दादियां हैं सब घर में एकदम सुरक्षित। और इतना नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब ये सब बूढ़े लोग जहां रहते हैं वहां चले जाते हैं, तो हमारे यहां सबसे ज़्यादा दादा दादियों का स्थान बना रहा है। और ये सूरत में आप घूमेंगे तो पता चलेगा कि ये सौराष्ट्रवासी लोग हैं, पता लग जाएगा, क्योंकि सब एजेड दादा सब वहाँ व्यतीत कर लेते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया। हेलो, हाँ जी भाजी, मेरी मम्मी की उम्र है 96, माइक पास रखिए, 96 है अभी, मेरी शादी हुई थी, मेरा बेटा मेरे साथ है, 19 साल का है, छोटा सा, उसके लिए छोटा सा ही है, तो मेरी बीवी ने एक दिन, मेरे बेटी इससे बड़ी है, मेरा मैरिज हुई और लड़की हुई तो 1 साल की लड़की थी, तो सुबह वो जाग के निकली और मम्मी में बाहर बैठी थी, तो मेरी लड़की रोने लगी, वो 5 से निकल गई, तो उसका दिमाग घूम गया था, उसने एक चापड़ मार दी लड़की को, मेरी बीवी ने वो देख लिया, मेरी मम्मी ने वो जैसे वो लड़की उसके 5 से ले ली और उसको 1 दे दी, बोले वहाँ से लेके आई है क्या, ये मेरी लड़की है, क्यों मारा इसको, और वो पगड़ा हो गया, मैं तो था नहीं, शाम को आया, शाम को बोला, शाम को घर पे बैठे थे, मम्मी ने आज मुझे मार दिया। मैंने कहा यार वो तो मुझे भी मार दिया था, तुझे भी मार दिया, तुझे तो अभी मारा, मेरे को तो बहुत पहले मारा था, और कितना मारा था। बाद में वो उसका रोष हो गया, मैंने फिर उसको बिठा के समझाया, वो तूने बेबी को मारा लड़की को तो उसको क्यों गुस्सा आया, वो सोच उसे भी कुछ अपना लगा होगा ना, इसलिए तुझे उसने मारा। अभी हालत ये है, अभी 2 महीने से पहले मैं गांव में गया था तो एक पंखा लगाना था,
तो मुझे बोला मेरी मम्मी ने, ये पंखा लगा दे वहाँ पे। मैंने कहा पर वो चिराग है वहाँ पे, उसको आप बोलो ना, आप बार बार मुझे पहले से ही बोलते आ रहे हो। बोले वो छोटा है, वो कुछ नहीं करेगा, तो ही करेगा। अभी उसका फोन में, हम खेत पे गए थे मेरी वाइफ, उसने मुझे फ़ोन दिया, मैंने कहीं रख दिया, मेरे दिमाग से निकल गया। वो घर पे आके मम्मी को बोल दिया कि उसने फ़ोन घुमा दिया। बस वही बात, मैं शाम को घर पे आया, मेरी मम्मी ने बोला तूने बहू का फ़ोन कहाँ रख खो दिया। अरे मैंने नहीं खोया, मेरी गलती से कहीं रख दिया है। तू नहीं खोया होगा, तू नहीं कुछ किया होगा। और बस वो चढ़ गया मेरे ऊपर और वो सब मजार ले रहे हैं। अभी हालत ये हुआ, अभी जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरा ही होता है, लड़के का नहीं होता। और अभी जब दीपावली को आशीर्वाद लेते हैं तो वही बोलते हैं, जैसी तरह मुझे आपने रखा है उसी तरह आपको आपके बेटे की बहू और बेटा रखे। बढ़िया सर। मैं रमेश बिश्नोई, जयपुर राजस्थान से। सर मेरा मानना यह है कि ये जो परिवारों की जो आज स्थिति हुई है, मैं जिंदा रहने के धरातल पे तो कुछ नहीं बोलूँगा, वो नहीं जीने के धरातल पे कुछ नहीं बोलूँगा, जिंदा रहने के धरातल पे जो स्थितियाँ बनी हैं वो पिछले 30 साल में समय ने ऐसा करवट लिया है, इतना तेज़ी से स्लिप हुआ है समय, कि 30 साल पहले इतनी एजुकेशन नहीं थी और 80% हिंदुस्तान में 80% के आसपास तक गांव थे। अभी 60% तो अभी भी है गांव में, फिर भी कमोबेश जो शहरों में स्थितियां हैं परिवारों की, उनसे फिर भी थोड़ा कुछ ठीक है। तो वो लोग थोड़ा, क्योंकि एजुकेशन भी कम थी और थोड़ी उनकी चाल भी धीमी थी, और जो आज की पीढ़ी है उनकी एजुकेशन भी फास्ट है और उनका जो लॉजिक के हिसाब से जो दिमाग चलता है वो समय से भी आगे चल रहा है, उनका पीछे चल रहा है, उनका आगे चल रहा है। तो इतना गैप हो चुका है कि वो आपस में भर ही नहीं पाता है। जो उन्होंने कमियां देखी आज से 30 साल 40 साल पहले, लोग बाग आपको पता है कि पानी पीने के लिए भी 10-10 किलोमीटर से मटका भर के लेके आते थे। आज आप कह रहे हैं बटन दबाते ही पानी हाथ के अंदर है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो आज का बच्चा अगर कोई पानी वेस्ट करता है और अगर दादा दादी या परदादा साथ में रहते हैं तो उनको वो चीज़, जबकि उनको मालूम है सब चीज़ कि ये अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन उनके जो चित्रण बना हुआ है जो माइंड में, वो छूट नहीं पाता है कि तुम तो वेस्टेज कर रहे हो, तुम तो वेस्टेज कर रहे हो। तो टोका टोकी उनकी होती है, आज के बच्चे टोका टोकी सहन नहीं करते हैं। बस ये इस तरह से गैप बढ़ता गया और फिर जब सहन नहीं होता है, जैसे ही वो उसके पंख लगते हैं बच्चे के, वो फर्र से उड़ जाता है कि लो ठीक है तुम तुम्हारा जियो, मैं तो ये गया। तो इस वजह से ये परिवारों में जो गैप आया है। थैंक यू। ठीक हो गया। तो काम की बात इतनी ही है कि सबको अपना अपना काम मिल जाए। हर आदमी के पास ना फुर्सत बहुत है और दूसरे की ज़िंदगी में ही झांक रहा है। तो यार अपना अपना काम मिल जाए तो फिर ये भी इतनी टोका टाके की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घूम फिर के सब चीज़ का इलाज एक ही है। चलिए तो मैं कहता हूँ कि यदि बाय द वे बच्चे घर से बाहर जॉब में भी चले गए हैं, लेकिन जहाँ भी रहते हैं वहाँ बुज़ुर्ग भी हैं, वहाँ जवान भी हैं, वहाँ बच्चे भी हैं, यदि वह मुंबई में भी पूरे मोहल्ले में पूरी चाल में यदि सबके साथ ये काम होने लगेगा तो उसी मोहल्ले में बुज़ुर्ग भी मिल जाएंगे, उसी मोहल्ले में जवान भी मिल जाएंगे, चाहे ब्लड रिलेशन वाले नहीं होंगे लेकिन सभी तरह के लोग सभी जगह रहते तो हैं ही हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि कहीं भी मानव है तो मानव सुखी होना ही चाहता है। हमारी योग्यता है तो जहाँ भी हैं वहाँ हम एक संसार बसा सकते हैं। चलिए तो फाइनल समापन की ओर चलें। आप तो 2-3 महीने में 4 महीने में एक बार मिलते हो, अपनी बात कह देते हो, पर ये मोबाइल जो है ना हमारे हाथ में 24 घंटे है और बिना किसी नागा के संस्कार देने को तैयार है, है ना। तो इस पे रात दिन जो देख रहा है बच्चा, टीवी की बात तो छोड़ दो, टीवी तो चलो फिर भी थोड़ा दूर था, फिल्म दूर थी, पर ये तो ऐसा हथियार दे दिया हमारे हाथ में। देखिए वो तो हो ही गया, वो तो छूट नहीं सकता, इसलिए उसकी चर्चा कितनी भी करें।
तो सार ये है कि अब मोबाइल है ही है, ये छूटेगा नहीं, ठीक है। सब इससे तो इतना ही करना होगा कि अभी भी मैं कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, समातिरेक विषम की ओर, विषमातिरेक सम की ओर। तो जब भी कोई चीज़ विषम की ओर जाएगी, ये लौट के सम की तरफ वापस आएगी। तो चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मानव में सकारात्मक के लिए स्वीकृति हमेशा ज़्यादा है, नकारात्मक के लिए स्वीकृति कम है। हमारी स्थिति ये है कि हमारे पास सकारात्मक का वातावरण, सकारात्मक की समझ और उसकी प्रैक्टिसेबिलिटी और उसको फैलाने का स्वरूप हमारे पास उपलब्ध नहीं था। तो यदि उसी मोबाइल में नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं तो उसी में पॉजिटिव भी आ सकते हैं। यदि हमारी स्थिति अच्छी बनेगी तो हम इस पर भी बहुत सारा संसार बसा सकते हैं। तो देखिए, आदरणीय नागराज जी ये क्या करते थे कि 2000 तक इस प्लैनेट पे मानव जाति की यात्रा जिंदा रहने के सामान इकट्ठा करने की रही है, और उसमें वो सफल हुआ कुछ गलतियों के साथ। लेकिन सन 2000 के बाद की यात्रा को ये माना गया कि ये जिंदा रहने की यात्रा पूरी हुई और यहाँ से जीने की यात्रा शुरू होती है। जब जीने की यात्रा ही प्लैनेट पे मान लो 15 साल हुए हैं, तो किसी प्लैनेट की जर्नी में 15 साल क्या समय है? हजारों साल से मानव ने जितना कष्ट पाया है, जितने युद्ध किए हैं, जितनी तमाम विभीषिकाओं से गुजरा है, उस सबको देखेंगे तो उसकी तुलना में आज काफ़ी अच्छे दिन हैं, काफ़ी अच्छी स्थितियाँ हैं, है ना। उन बातों को छोड़ के कि धरती का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, वो अपने आप में क्वेश्चन वाले भाग अलग हैं। अदरवाइज देखेंगे तो लाइफस्टाइल एक सामान्य आदमी को भी जिंदा रहने के लिए आज अवसर पहले की तुलना में ज़्यादा उपलब्ध है। यदि किसी को मेहनत करके कमाना है तो 10,000-15,000 की जॉब सबके लिए उपलब्ध है। कम से कम भूखे मरने की नौबत आज की डेट में नहीं है, है ना। वो समय गुजर गया, एक समय था जब ठीक ठाक, मतलब इतनी सारी जॉब्स इतनी इस तरह से उपलब्ध नहीं थी। जब हम लोग इंजीनियरिंग करके निकल रहे, उस समय एक दौर था कि सिविल इंजीनियरिंग बंद हो गई थी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, है ना। अभी फिर से एक दौर आया कि सिविल इंजीनियरिंग सबसे टॉप पे चली गई। तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपने तरीके से आगे बढ़ रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि मानव के अध्ययन के रूप में कोई ऐसी चीज़ हाथ लग गई जिसमें की बात हो सकती है। एक ऐसा शिविर जिसमें 50 साल का व्यक्ति भी बैठा है, जिसमें 10 साल का भी बैठा है, जिसमें सारे लोग बैठे हैं और हम साथ चल पा रहे हैं, ये अपने आप में कम है क्या? ये अपने आप में अद्भुत है। ये अपने आप में कोई अद्भुत बात है कि शिक्षित व्यक्ति भी, अशिक्षित व्यक्ति भी, 10 साल का भी और 80 साल का भी, सभी धर्म और जाति, पैसा कम और ज़्यादा, हम सभी एक साथ बैठे हैं और ज़िंदगी पे चर्चा कर सकते हैं, और सबके लिए वो उतने ही इंटरेस्टिंग जर्नी हो सकती है। इससे सुखद घटना हो नहीं सकती। बहुत कम समय हुआ है, हो सकता है आप अगले 15-20 साल देखिए, हो सकता है काफ़ी सुखद स्थितियाँ देखने को मिल जाए। चलिए, तो फाइनली निष्कर्ष क्या निकला? हालांकि ये चर्चाएं पहले हो चुकी हैं पर कुछ लोगों के लिए नहीं हुई हैं, तो संयुक्त परिवार सफल परिवार। संयुक्त परिवार सफल परिवार या एकल परिवार छोटा परिवार, छोटा परिवार सफल परिवार। बोलो आगेवाल जी, क्या ठीक है? कहाँ है आगेवाल जी? अच्छा, चले गए। ओहो ओहो ओहो, अरे वो लोग चले गए। चलो, तो संयुक्त परिवार सफल परिवार या छोटा परिवार सफल परिवार। दूसरा, प्रेम विवाह सफल विवाह। या परंपरागत अरेंज मैरिज, परंपरागत विवाह सफल विवाह। अभी जब मैं शिविर कर रहा हूँ तो नॉर्मली मैं परिवार और समाज की चर्चा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एग्जिस्टेंस क्यों है, कैसे है, और जीवन क्यों है, कैसे है, पे लाके परिवार शिविर ख़त्म हो जाता है। तो जिन लोगों ने अभी रिसेंटली शिविर किया होगा उन लोगों के लिए ये सब चर्चा नहीं आई होगी, ऐसा मैं मान के इसको कर रहा हूँ। तो जिन लोगों के सामने ये चर्चा नहीं हुई है शिविर में, है ना, क्या लगता है, संयुक्त परिवार सफल परिवार है या छोटा परिवार सफल परिवार? बोलो राम मनोहर जी।
छोटा परिवार, संयुक्त परिवार, माइक माइक। सफल परिवार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं मैं मानती कि संयुक्त है इसलिए सफल है या छोटा है इसलिए सफल है। दोनों की अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। अब उसमें कितने समझदार लोग रहते हैं उस पर उसका सफल होना नहीं होना डिपेंड करता है। वैसा ही प्रेम विवाह और परंपरागत विवाह। प्रेम विवाह में सिर्फ इतना ही है कि जैसे पुराने ज़माने की अगर अरेंज मैरिज की बात करूँ तो जैसे सिर्फ परिवार देखा जाता था कि परिवार अच्छा है शादी करा दो, लड़का लड़की तब नहीं मिलते थे, अब तो अरेंज मैरिजेस भी मिलते हैं। लव मैरिज में सिर्फ इतना ये है कि एटलीस्ट वो लेवल पे, मतलब भले ही समझ ना हो, तभी किसी ने कहा था कि कुछ समझ नहीं रहती 19-20 साल में, समझ ना हो बट ये समझ रहती है कि ये हम दोनों किन्हीं चीज़ों में तो सिमिलर है। कुछ 50-60-70% तो आदतें बोलो या हॉबीज़ बोलो या लाइकिंग्स बोलो कुछ तो सिमिलर है, तो वो हिसाब से सफलता की तरफ हम जा सकते हैं। ये जो चल रहा था अभी संयुक्त जो अपने परिवार परिवार, तब मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, जैसे गुजरात में ठीक है कि संयुक्त परिवार है ही, बड़े बड़े परिवार है, दो भाई चार भाई उनके सब। आजकल कैसा है दादा दादी भी जो लोग हैं ना वो खुद इतने बिजी हो गए हैं व्हाट्सएप में और उनके उनके सब इसमें कि वो बोलते हैं कि हमने बहुत कर लिया तुम तुम्हारे बच्चे देख लो, तो उनका भी कुछ ऐसा बहुत कंट्रीब्यूशन हो नहीं रहा है कि जैसे पहले वाले दादा दादी रहते थे कि माँ बाप जिनके 6-7 बच्चे होते थे उनको पता था कि जैसे जैसे बाकी के बड़े हो जाएंगे चाचा चाची दादा दादी बुआ मासी सब अपने आप संभाल लेंगे। आजकल तो एक बच्चा या दो बच्चा भी कोई करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि सोली जिम्मेदारी उसकी है, बाकी कोई उसको नहीं देखने वाला है। तो मेरे हिसाब से वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि घर में 10 लोग रह रहे हैं या 2 लोग रह रहे हैं, वो इस पे डिपेंड करता है कि समझदारी कितनी है। इसलिए नई योजना आई, समझदार परिवार सुखी परिवार, और समझपूर्ण विवाह भैया। वो प्रेम विवाह और परंपरागत विवाह में हम बात करते थे कि इतना ही फर्क है कि परंपरागत विवाह यह है कि आप रास्ते से जा रहे हो और सांप पे पाँव पड़ गया और सांप ने काट लिया और आप मर गए, और प्रेम विवाह यह है कि आप जा रहे हो सांप उधर है आप बोला आजा आजा डस ले मुझको। आप भाभी के बारे ऐसे कैसे बोलते? ऐसा हम बोलते थे, हम दोनों मिलके किसी को बताते थे। अच्छा। वो बोले शादी करना है, बोले क्या क्यों शादी करना है ये फर्क है, समझ ले फिर कर शादी। हाँ जी, आपके क्या निष्कर्ष बदल रहे हैं, कहाँ अपने जीने का विश्वास बढ़ रहा है, अपने लिए क्या मिल रहा है कि मैं आगे क्या करूंगा, अपने लिए टेक होम क्या है एक बार लिख डालिए, अपने लिए क्या मिला। आज दिन भर की चर्चा में जो कुछ भी हमने चर्चाएं की, बहुत सारी बातें की लगातार की, तो परिवार को लेके जो कुछ भी चर्चा हुई, मुझको अपने लिए क्या मिला, किन चीज़ों पे मेरा ध्यान गया और आगे के लिए मेरा कार्यक्रम क्या है, लिख डालिए एक बार।
परिवार हमने आज शुरू किया था, कल किया था, आज ही किया था, हाँ थोड़ा सा कल किया था। हाँ जी लिख डालिए, परिवार को लेके क्या समझ बन रही है, उसमें मेरे लिए टेक होम क्या है। वापस लौट के अपने परिवार में मैं क्या, अपनी सोच में, अपनी उसमें क्या परिवर्तन करना चाहूँगा। हेलो, आज का और कल का जो भी सेशन था परिवार के रिलेटेड, तो उसमें मेरे लिए वो उपलब्धि है कि पहले मुझे खुद को जांच के वो पता करना पड़ेगा कि मेरा रोल क्या है। जब तक उसमें भी वो इंट्रोस्पेक्शन होता रहेगा, स्वयं वे विश्वास या जो भी है रिक्वायरमेंट फैमिली की मेरी, सब कुछ मिला के पहले मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा रोल क्या है, तो उसके हिसाब से। हाँ, तो मेरा रोल समझने के लिए भी मुझको अध्ययन ठीक से करना होगा, उस अध्ययन करने के प्रोसेस में कुछ इवॉल्व होके आएगा। क्या है कि कोई भी रोल किसी योग्यता के साथ होता है, रोल सारे आसपास बिखरे रहते हैं, हमारी योग्यता नहीं है तो कुछ नहीं दिखता है, हमारी योग्यता है। जैसे अभी यहाँ मान लीजिए बड़ों का शिविर चलेगा, जब भी बड़ों का शिविर चलेगा, बच्चों का एक शिविर ये पैरेलल चल ही सकता है, हर शिविर में ये बच्चे 10 हमको दिखाई देते ही हैं। यदि हम इसी को व्यवस्थित कर लेंगे, है ना, तो हमारे घर को दिखेगा कि हाँ चलो ये एक व्यवस्थित चीज़ और चलने लगी। और अपने बच्चों के साथ यदि अंजू बहन बच्चों के साथ शिविर चलाएगी और एक अच्छे रिजल्ट बच्चों के साथ मिलेंगे, तो चार लोगों को और मन करेगा कि यार हम भी इसमें कोई भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसी भूमिकाएँ इवॉल्व होती हैं। तो मुझको लगता है कि एक स्टेप है जब हमारा अध्ययन किसी एक लेवल तक पहुँच जाए, उसके बाद स्वयंस्फूर्त अपने भीतर कोई भाव जगता है कि मैं ये जिम्मेदार, क्योंकि आसपास जिम्मेदारियाँ बिखरी पड़ी हैं, जिम्मेदारियों की कमी नहीं है। मेरा रुचि और मेरी योग्यता क्या चीज़ के लिए सूटेबल है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। तो इस क्रम के साथ धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे वो इवॉल्व होगा। बढ़िया। और दूसरा, पहले के शिविर से और ये शिविर से मतलब एक बात जो पता थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है कि घूम फिर के बात स्वयं के विश्वास के ऊपर ही आ जाती बहुत है। बहुत बढ़िया। कि अब अगर किसी ने कुछ भी सिचुएशन होता है तो हमको पता है कि हमारी बात सही है, राइट है या कुछ भी, फिर भी हम लोग स्टैंड नहीं ले पाते क्योंकि कहीं ना कहीं वो शिष्टाचार और वो उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है, उतना वो स्वयं के प्रति जो विश्वास है कहीं ना कहीं वो कम रहता है। तो सही होने के बाद भी वो नहीं होता पता, तो वो खुद में जो विश्वास है उसका प्रभाव बढ़ाना है खुद के ऊपर, तो वो अपने आप फिर आत्मा की गति के तरफ चला जाएगा। तो मेरे लिए घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि खुद के ऊपर विश्वास पे ही काम करना है। बहुत सुखद, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, आइए आइए, माइक। नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार। हाँ जी दशरथ भाई, अभी परिचय शिविर और ये अध्ययन बिंदु शिविर के बाद में वैसे मालूम पड़ता है और सब लोगों का जो शेयरिंग है उससे लगता है कि प्रॉब्लम तो बहुत है, बहुत हर जगह पे प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है।
कोई भी जगह पे ऐसा दिखता नहीं है कि इमीडिएट सॉल्यूशन है। और जैसे जैसे अब तक वो प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए जो हमने टाइम बिताया है, हमने जो मतलब हर जगह पे मतलब जो टाइम वेस्ट हुआ है, उसके सामने सबसे अच्छा और शॉर्टेस्ट ऑप्शन अध्ययन है। बहुत शुक्रिया। अच्छा भैया, मेरा ये पूछना था, इन्होंने जो बात बताई स्वयं के प्रति विश्वास की कि काफ़ी चीज़ें करेक्ट होती है हमारे लेवल से भी और हम स्टैंड नहीं ले पाते, तो स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ाना है और हम अपना स्टैंड क्लियर कर पाए, तो फिर उसमें एक स्टेज ऐसा भी आता है कि स्वयं के प्रति विश्वास मतलब सही हो तो, या तो फिर वो एरोगेंस, या लोग बोले कि हेडस्ट्रॉन्ग है, एरोगेंस है, मतलब हम जो है कि किसी और की सुने ही ना, तो जो थीन लाइन है इन दोनों के बीच में, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करे और कैसे मतलब करे कि भी सही का जो विश्वास है वो एरोगेंस में ना बदल जाए। बहुत बढ़िया। देखिए, सूत्र है कि विश्वास जोड़ता है, अहंकार तोड़ता है। तो यदि हमको अपने आसपास के वातावरण में चीज़ें अपने से जुड़ती हुई दिखाई देती हैं तो ये विश्वास है। यदि आसपास के वातावरण में चीज़ें डिस्कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं तो ये एरोगेंस। हाँ जी भैया। हाँ जी। या अच्छा। हाँ। कल और आज और मैं शायद पहले दिन से अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसको मैं आप ही के शब्दों में थोड़ा सा अपने में रिलेट कर पा रहा हूँ और उसको ऐसा मैं समराइज कर पा रहा हूँ कि जो स्वभाव व्यापक का है, व्यापक का स्वभाव क्या है कि वो क्रिया शून्य है, वो कुछ करता नहीं है और उसमें होने मात्र से ही सारी चीज़ें होती है। तो अभी जो पहला शिविर किया है, दूसरा शिविर किया और अभी तीसरा शिविर मेरा चल रहा है, तो अभी तक मेरी स्थिति ऐसी थी कि वापस जाने के बाद मैं बाहर लोगों के बीच क्या करूं, बाहर क्या करूं, लोगों के साथ क्या करूं, तो वो एक गड़बड़ी समझ में आई। और ये समझ में आया कि अगर हम कुछ अपनी स्थिति, मेरी स्थिति कुछ व्यापक की तरह कर सकूं, कैसा कि मैं बाहर कोई क्रिया ना करूं, अपने में ही सारी क्रिया करूं और वो क्रिया करते करते जब मैं कुछ उतनी मजबूती जितनी की मजबूती क्रिया शून्य व्यापक की है, जब वो स्थिति आ जाएगी तो खुद ही मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में व्यवहार में आने लगेगा, जिससे कि जो प्रभाव मैं बाहर चाहता हूँ अभी वो अपने आप स्वतः होने लगेगा। तो ये मैं अपने आप में देख पा रहा हूँ। और उसका सबसे अच्छा जो आपने तरीका बताया वो ये है, एक साल का, डेढ़ साल का जितना हमें लगता है। हाँ। वो अध्ययन। देखिए, इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे दर्शन का मतलब है देखना, तो दर्शन चार भाग में है, अनुभव, व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन। अनुभव का मतलब है देखना, तो अभी हम देखने के काम में लगे हैं, समझने के काम में लगे हैं। तो जब तक दर्शन भाग पूरा नहीं हो जाता है तब तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सिंपल, ठीक। उसमें से मानव व्यवहार दर्शन दो सत्र में चलेगा, है ना, फिर आगे की यात्रा अपने तरीके से चलेगी। तो इसका मतलब है कि लगभग साल भर का काम ये हो गया। जब अगला भाग है वाद, विचार पक्ष, तो पूरे वांग्मय को कहें तो चार, तीन भाग में है दर्शन, चार भाग में है वाद, विचार, उसका जो तार्किक पक्ष है वो तीन भाग में है, फिर जीने की योजना तीन भाग में है। तो इसका मतलब है कि एक समय आएगा जब दर्शन पक्ष पे चारों बुक्स पे अध्ययन पूरा होने के बाद वाद विचार पक्ष पे आ जाएगा, विचार पक्ष में आप मुखर होना शुरू हो जाएंगे और फिर आप दूसरों के साथ शेयरिंग मोड में, फैमिली में और बाहर योजनाबद्ध तरीके से भी शुरू कर सकते हैं, तो व्यवस्थित शुरू कर सकते हैं, उतनी स्थिति बन जाएगी। और उसके बाद जीने का स्वरूप, तो जीने में जो संबंध में और वातावरण में कुछ ठोस चीज़ें दिखना की आवश्यकता है, यदि बहुत ठीक से हम समय लगाते हैं, अच्छा मन लगाते हैं, विशेष रूप से घर लौटने के बाद डेली कम से कम एक घंटा या दो घंटे का समय यदि डेली हम लगा पाते हैं, तो फिर ये आठ दिन बैठने की उपयोगिता बहुत बेहतर हो जाएगी। यहाँ से गए और सीधे अपने काम में बिजी हो गए, फिर आठ दिन के लिए आ गए, ये हमारा शोषण है,
तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा शोषण नहीं करेंगे, है ना? क्या? हेलो, हाँ माइक। हेलो, आज की दिनचर्या में हमें ये जानने के लिए मिला कि मनोरंजन मानसिक बेरोजगारी है, समझदार परिवार ही सुखी परिवार होता है और समाधान से ही सुख मिलता है। गुड, हाँ मैं तो अभी मैंने तो डिसाइड कर लिया है, अभी ज़्यादा जितना भी समझा है और समझूंगी और सभी को बताऊंगी, क्योंकि सभी को ज़रूरत है, स्पेशली हमारे जनरेशन को तो है ही, तो आई हैव डिसाइडेड कि बताना तो है ही, सबको बताना है। लंदन की जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ वो तो पहले से भारत। सोम भाई ने जो बात कही ना कि वास्तव में इस देश को समझने की आवश्यकता है, इतना कुछ नेगेटिव घटने के बाद भी इस देश के युवा अभी भी बहुत अच्छे हैं, ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, कोई ऊपर उड़ी हुई बात नहीं है। हमारे एक युवा परिवार है, युवा परिवार नाम दिया हमने, देश भर में उसमें बहुत से भाई बहन जुड़े हैं, और हमने कभी ये भी नहीं कि लड़कियां दूर रहेंगे लड़के दूर रहेंगे। आज 30-35 साल हो गए, खाली मेरी बात नहीं, और उसमें अनेक भाई बहनों ने शादी नहीं की, और जिन्होंने की बहुत व्यवस्थित की, वो अच्छी तरह जी रहे हैं, और जिन्होंने नहीं की एक भी घटना ऐसी नहीं है जिसके बारे में कोई समाज उंगली उठा सके। इस बात के साथ सोम भाई हाँ भर सकते हैं, मतलब उसमें 100-200 ऐसे युवा है, तो युवा एक्चुअल में जब उसको सार्थक काम मिल जाए, जब उसको लगे कि मेरे जीवन का ये उपयोग है, वो गलती करता ही नहीं, वो तो कुछ करना चाहता है, जब उसके पास करने के लिए कुछ पॉजिटिव साइड नहीं है, सार्थकता नहीं है, तो क्या करेगा? मन परेशान, दारू पिएगा, इधर उधर के फिर बकवास करेगा, कुछ और करेगा। सवाल यह कि क्या हम युवा को उसकी जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगा सकते हैं क्या, ये मुख्य बात है जी। और मुझे जैसे अन्ना आंदोलन था, मैं कभी कभी देख के दंग हूं, पूरे देश भर में लाखों युवा सड़कों पे आए और एक पत्थर नहीं उछला कहीं भी, आप छोटी बात समझ रहे इसे, लाखों युवा सड़कों पे आए, कोई पुलिस नहीं, कोई मिलिट्री नहीं, एक भी घटना ऐसे नहीं है पूरे देश में जिसमें एक भी पत्थर उछला हो, और वो युवा ही आए थे। तो इस युवा शक्ति को सचमुच हम दिशा दे सके, और मुझे तो पूरा विश्वास है, और मैं कई बार कहता भी हूँ कि ये जो जीवन विद्या रूपी दर्शन या अमृत जो भी क्यों हमें मिला है, अभी तो परिचय ही हो रहा ना, परिचय भी अभी बहुत थोड़ा सा ही हुआ है, और जिस दिन इसके एक सूत्र हमारे जीवन में आ जाएंगे, हमारा जीवन व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगा, तो धारा बहेगी इतनी तेज, क्योंकि आज मैंने पहले दिन भी कहा कि आज युग की आवश्यकता, या तो आप समझदार बनेंगे तो मोक्ष है, और समझदार नहीं बनेंगे तो मौत के मुंह में खड़े हैं, ये स्थिति बन चुकी। ये समय के अनुकूल पूरा दर्शन आया है, प्रकृति की व्यवस्था के अनुकूल आया है जी। तो इसलिए थोड़ा समझे, और जीवन में जैसे मैं कहता हूँ, देखिए समझने की क्या है, मतलब पहचान क्या है, जैसे जैसे दर्शन को समझेंगे विश्वास बढ़ेगा, विश्वास का आधार क्या है, आपका आचरण निश्चित होगा, जब आचरण निश्चित नहीं होता तो विश्वास नहीं बनता, और निश्चित आचरण का आधार क्या है, निश्चित आवश्यकताएं होंगी। बाबा कहते थे, मैंने कई बार सुना उनके मुँह से, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं और इससे कम में काम चलता नहीं, इतना निश्चित, बहुत कम आवश्यकता है जीवन की, बहुत कम आवश्यकता है जिस दिन सचमुच आप समझेंगे। हमें सिर्फ यही देखना है कि मुझे ही नहीं जीना इस धरती के ऊपर, मेरे साथ मेरा परिवार का हर सदस्य है, पूरा मानव समाज है, पूरी प्रकृति है, मैं परिवार समाज और प्रकृति, मेरा कोई भी कार्य है कैसे ऐसा हो जिसमें चारों अवस्थाएं संवर्धन हो,
संरक्षण हो और सदुपयोग हो, ना तीन बात है ना बाबा कहते थे, अर्थशास्त्र, राजशास्त्र और धर्मशास्त्र, जो भी क्या हो, धर्म नीति, राज्य नीति और अर्थनीति। अर्थनीति का मतलब संवर्धन, राजनीति का मतलब संरक्षण और धर्म नीति का मतलब सदुपयोग। जिस दिन इनकी एक का कड़ी को समझ जाएंगे इतना आसान होगा, कूदना पड़ेगा कुछ युवाओं को। मैंने माफ करना बीच बीच में मैं कहता हूँ कि आज की अव्यवस्था में जी केयर आप परेशान होकर आए यहाँ पर, आ रही है दुनिया, कभी रविशंकर के पास जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी राधा स्वामी के पास जा रही है, भाग रही है, तो वहाँ पर कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि मैंने सारी ये धाराएं सब देख ली, कोई धारा देश में ऐसी नहीं है जिसके पास मैं नहीं गया, जो मुझे व्यक्तिगत नहीं जानता हो, इतना भी मैं आपको बता दूं 35 साल में। तो यहाँ पर एक हमें विकल्प भी मिल गया, एक दर्शन भी मिल गया। तो हमें अब उन मूल्यों को जिनकी बात कर रहे हैं उनको, कुछ लोगों को कदम उठाना पड़ेगा जीवन में लाके, और व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी। अगर व्यवस्था खड़ी नहीं करी और खाली हम बात करते रहे तो कदम आगे नहीं बढ़ने का। और हमने व्यवस्थाएं खड़ी कर दी, शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, चुनाव व्यवस्था, इसके ऊपर हमें लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये तो मर चुकी जो भी है, मरेंगी, इसके विकल्प के सामने के रूप में क्या होगी, कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी, कैसी चिकित्सा व्यवस्था होगी, कैसी न्याय व्यवस्था होगी, कैसी चुनाव व्यवस्था होगी, कैसी अर्थव्यवस्था होगी। आज की अर्थव्यवस्था में तो कहते हैं अगर आप घर में खाना बना के खा रहे हो और आप बीमार नहीं पड़ते तो आप देश के विकास में बाधक हो। ये अर्थव्यवस्था है या अनर्थव्यवस्था है, ये मैं नहीं कह रहा। अगर आप अपने घर में अपनी माँ बहन के हाथ का खाना खा रहे हो तो आप देश के विकास में बाधक हो, क्योंकि आप देश की GDP बढ़ाने में बाधक हो। इस तरह की सोच पूरी अर्थव्यवस्था में आ जाए तो उसके सामने हमें कौन सी अर्थव्यवस्था लानी है। आवर्तनशील अर्थशास्त्र है ना, जो बाबा ने दर्शन दिया क्लियर हर चीज के ऊपर। तो मैं सुना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, सोम भाई कहेंगे शिविर लेना शुरू कर दिया। धन्यवाद। हेलो भैया, यहाँ पे नमस्कार, सभी को नमस्कार। अपनी ये बढ़िया शिविर रही और बहुत सी बातें सुनी, मुझे वैसे सुनना अच्छा लगता है, बोलना मेरा अनुभव नहीं है। आप कहाँ से हैं जी? मैं दीपक बड़ौदा से, दीपक भाई। हाँ, अभी इतनी बढ़िया शिविर रही है और इतने अच्छे अनुभव रहे तो मैं एक अच्छा अनुभव शेयर करना चाहूँगा। बहन सामने जो एग्जाम्पल लिखा है, दो 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 और नीचे दो, माँ बाप दो बच्चे, उनके दो दो बच्चे, और ये रोल मॉडल है, इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे घर में हम दो भाई हैं, उनके दो दो बच्चे, वो चारों की शादी हो गई है, चार बहुएं हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, और आज भी हम एक ही जगह पे, वैसे मकान पास पास में है, दो है, लेकिन छोटे बड़े कोई पन ओकेजन हो हम लोग साथ होते हैं। आज की तारीख में ही ऐसा है कि फैमिली है, प्रॉब्लम तो रहता ही है, लेकिन प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे एक ही नाम आता है, चाचा को बुला लेते, यानी कि मैं। कोई आगे नहीं बढ़ता है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है तो बोलते चाचा के पास जाएंगे, या तो हमारे बच्चे बोलते पापा को आने दो, पापा से बात कर लें। और ये हमारी तीन पीढ़ी से चला आ रहा है, मतलब कि हमारे माँ बाप, उनसे ही हम सीखे, हमने हमारे माँ बाप के साथ रहे। हमारे मकान को 40 साल तक लॉक नहीं लगा था, आप समझ सकते हैं, जॉइंट फैमिली की वजह से हमारे घर के दरवाजे कभी बंद ही नहीं हुए थे। फिर अभी 10 साल पहले मदर फादर, माँ बाप दोनों एक्सपायर हुए, और 83 के एज में, उसके बाद हम लोगों ने उनकी परंपरा चलाई। आज हम इतने हैप्पी है, सुखी है कि अभी मैंने बहुत से लोगों का सुना तो मुझे ऐसा लगा कि अपने समर्पण का एग्जाम्पल तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो आपने जो ये जो मॉडल रखा है उसका एक कहने का मतलब ये है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी समझदारी की ज़रूरत है, और समझदारी से कुटुंब पास में आते ही है, आते रहेंगे, उसके लिए कोशिश की ज़रूरत है, कोई भी होपलेस न बने, होपफुल बने। थैंक यू। कल के नीचे के बच्चों के लिए जब 9 से 16 में यहाँ शिविर चलेगा तो एक शिविर यहाँ पैरेलल और चलेगा जिसको अंजुबेन चलाएंगी, तो अब आप निश्चिंत होकर अपने बच्चों को ले आइए, तो उनके साथ एक